इन्होंने पिछले 2 साल से शोर मचा रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, 500 से ज़्यादा रेड मार ली पूरे देश के अंदर, पता नहीं और कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली हम लोगों ने, और अभी थोड़े दिन पहले बोले 1100 करोड़ का घोटाला है। एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर 100 करोड़ का 1100 करोड़ का घोटाला है तो कहीं पैसा रखा तो होगा कहीं पे। इन्होंने 500 से ज्यादा रेड मार ली, कहीं इनको एक चवन्नी नहीं मिली। हमने कहीं खर्च तो किया होगा। इन्होंने इतनी रेड मार ली, कहीं कोई खर्चे का हिसाब किताब नहीं मिला। इस 100 करोड़ का 1100 करोड़ का कोई ज्वेलरी खरीदी होगी, जमीन खरीदी होगी, प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कहीं कैश मिलेगा, कहीं बैंक अकाउंट, कहीं कुछ नहीं मिला, एक धेला नहीं मिला कहीं। कल प्रधानमंत्री जी से एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि जी केजरीवाल कह रहा है कि इस पूरे तथाकथित शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो आप सब लोगों को चौंका देगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबूत इसलिए नहीं मिला, रिकवरी इसलिए नहीं हुई, कोई भी पैसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो पूरे देश के सामने कल प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया कि शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है, शराब घोटाले में उनके पास कोई रिकवरी नहीं है, किसी तरह का कोई एक नया पैसा रिकवर नहीं हुआ। उसे छुपाने के लिए वो कहते हैं केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो आपकी सारी CBI निकम्मी है, आपके सारे CBI ऑफिसर्स निकम्मे हैं, आपके सारे ED ऑफिसर्स निकम्मे हैं। वो तो एक बहाना है अपनी गलत गिरफ्तारी को जायज ठहराने का कि केजरीवाल अनुभवी चोर है। लेकिन कल प्रधानमंत्री, खुद प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के सामने कबूल किया उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। प्रधानमंत्री जी, जब आप कबूल कर ही चुके हैं कि पूरा शराब घोटाला फर्जी है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, तो छोड़ दीजिए सब लोगों को।